हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपको वीडियो जब अच्छा लगेगा तभी आप लोग जो भी करना कमेंट करिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा तभी आप कमेंट करिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जो चीज़ें देख के आप ओपन किए हैं 100% आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जिसमें बहुत सारे डीमोटिवेट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। केवल 15 दिन में 15 रुपये की खर्च से आप मैथ सीख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप रेलवे हो गया, UPSI हो गया, बैंक हो गया, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मैथ नहीं अच्छी है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और मैथ का डर लगता है, आप चाहे जिस सब्जेक्ट से पढ़े हों, आर्ट साइड से पढ़े हों, साइंस साइड से पढ़े हों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो 100% 15 दिन में, अगर आप उसके कम समय में भी चाहेंगे तो आप अच्छे से मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो को आप स्किप कर देते हैं या आप वीडियो को सिर्फ यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं तो आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ आप करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। और आप आगामी आने वाले इस लॉकडाउन के बाद कितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे, चाहे आपके रेलवे के होंगे, चाहे जो एग्ज़ाम होंगे, आप क्वालिफाई करके आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था कि हम मैथ को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि उनका साइंस कवर हो जाता है, रीजनिंग सब कर लेते हैं, एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उनको फंसा देता है और इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन भी रुक जाता है। क्योंकि मैथ को वो अपना जो वीकनेस है उसको वीकनेस ही करते जाते हैं, उसको कभी इम्प्रूव करने की सोचते नहीं हैं। देखिए, सोचता हर कोई है लेकिन तरीका नहीं पता होता। तो आज मैं वही तरीका बताऊँगा, आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और आप लोग आज के समय में अपने जो ये समय चल रहा है इसमें मैथ को कैसे स्ट्रांग बना दें। कि 15 दिन के अंदर जो लॉकडाउन चल रहा है, आप देखिए, आपके पास न्यूज देखने का टाइम है, आप फालतू की चीज़ें देखते हैं जिससे डीमोटिवेशन आपको बहुत मिलता है। लेकिन यही चीज़ें आप जो करेंगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, मैथ बहुत ही अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube पर ऑनलाइन में, ठीक है, किसी भी एक टीचर को, ऐसा नहीं उसका चैनल बड़ा हो, उसका चैनल मिलियन में हो, उसका चैनल लाखों में, हम ये नहीं करें। आप उस टीचर से पढ़िए जिस टीचर की आपको लैंग्वेज समझ में आती है, उसकी भाषा समझ में आती है, वो हंसी मजाक करके पढ़ाता है, आप उस टीचर से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है या इंग्लिश में बोल रहा तभी वो टीचर अच्छा है। देखिए, कोई भी मैथ का टीचर होगा, जैसे आप जानते हैं SSC के लिए अभिनव सर, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर हैं, रेलवे के लिए भी साहिल सर हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्जेक्ट के टीचर अलग हैं। लेकिन जिस टीचर की आपको लैंग्वेज समझ में आती, बहुत सारे टीचर हैं जिनका और भी नाम है बहुत सारे लोगों को, जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आए, एक बार नोट करिए, जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आई है आप उनके चैनल पे जाइए, ठीक है, चैनल पे जाएंगे, उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे, ध्यान से समझिएगा पूरी बात, और उसके बाद उनका जो बेसिक से वीडियो अपलोड हुआ है फ्री का, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं लगने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, पूरा वीडियो देख डालें। और ऐसे नहीं देखना है, आप बहुत दिनों से ऐसे पढ़ रहे हैं मुझे पता है, जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे, जब तक आप नोटबुक नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ना तो आपकी मैथ ही इम्प्रूव हो सकती है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने खुद 2 नोट बनाया है मैथ के, ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट का मैंने खुद 2 नोट बनाया है, 2 नोटबुक मैंने बनाया हुआ, ठीक है, एक ये हो गई है और आपकी दूसरी देखिए ये है, ये है, मैंने 2 मैथ का नोटबुक बनाया है, मैंने 2 मैथ के नोटबुक जो बनाए हैं मैंने अच्छे से मैथ को, देखिए ये देखिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप पढ़िए, ठीक है, रोज़ आप उनके 1 या 2 वीडियो देख लीजिए, 1-1.5 घंटे के होंगे, मैं तो कहता हूँ जितना भी समय, पूरे दिन आप पढ़ डालिए, पूरे दिन, जब आप पूरा प्लेलिस्ट में बेसिक सा जो मैथ कराया गया है उसका आप क्या करना है, उसका आप लोग नोटबुक बनाएंगे, ठीक, नोटबुक आपका तैयार हो गया। अब उस नोटबुक को क्या करना है, जब पूरा सिलेबस कवर हो गया, जो जो सिलेबस में प्लेलिस्ट में जो भी उसके 30-40 वीडियो हैं, आप पूरा नोट, अगर नोटबुक नहीं बनाते आप लोग समझिएगा बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, आप वीडियो को ऐसे देख के रफ में चले जाते होंगे तो आप मैथ कभी नहीं सीख सकते, ये बात नोट करिएगा। आप नोटबुक बनाएंगे, 1 नोटबुक लगती है, 2 नोटबुक लगती है, जितने में आपको समझ में आता है आप नोटबुक बनाइए, ठीक है। अब आप नोटबुक बना लिए, ठीक है, उसके बाद उस टीचर का प्रैक्टिस की भी क्लास होती है,
ठीक है, प्रैक्टिस की क्लास करिए। और प्रैक्टिस की क्लास में करना क्या है, जब वो प्रैक्टिस कराएगा तो आपको उस प्रश्न को जो करा रहे हैं उस प्रश्न को सबसे पहले आपको रोकना है, मतलब पाउज कर देना है वीडियो को। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है। और एक रफ रखिएगा, एक आप लोगों को लेके आना है, ये चीज़ है, ये चीज़ देखिएगा, ये स्टिकी पेपर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो गांव से होंगे या बहुत सारी चीज़ों को, ये स्टिकी पेपर होता क्या है मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसको लेके आना है, एक तरफ रफ रखना है। अब सवाल को उसको हल करेंगे, अगर वो आपको सवाल आता है तो आप हल करिए रफ पे, ठीक है, स्किप करिए। अगर वो टीचर जो सवाल पढ़ा रहा है उस सवाल में कोई अलग कंसेप्ट बता रहा है तो आप उसको नोट करिए। देखिए मैंने जैसे इसको नोट किया हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे नोट करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे भी नोट करिए सारे जो भी वो सवाल बता रहा है, अगर कोई कोई भी टॉपिक का प्रश्न करा रहा है और उसमें कोई नया कंसेप्ट बता रहा है, आप इसमें तुरंत इसको नोट करिए। देखिए नोट करने का तो आप पेज में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने का ये फ़ायदा, आप इसको फाड़ के कहीं भी चिपका सकते हैं, क्योंकि ये चिपक जाता है, यहाँ से ये फटेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये फटेगा और दीवार में कहीं भी चिपका दीजिए। देखिए दीवार को आप जिस रूम में रहते हैं ना वहाँ मंदिर बना के रखिए, मतलब चारों तरफ चिपका दीजिए। एक आपकी नोटबुक तैयार हो गई, एक या दो, उसके बाद जब प्रैक्टिस करने बैठे, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हों ऑफलाइन या ऑनलाइन में, या आप प्रैक्टिस की क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप ये चीज़ रखिए। ये चीज़ कम से कम 15 रुपये की आती है, ठीक है। इसमें आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो इसमें आप लोग लिखते जाइए। देखिए मैंने बहुत सारे लिखा, अभी इसको मैंने चिपकाया नहीं है दीवार पे। तो आपको क्या करना है, जहाँ सोते हैं उसके सामने जो कंसेप्ट आपको नया लगता है, जो लगता है कि बार बार इसका यूज है, उसको चिपका दीजिए। देखिए आप इसको, ये बता रहा हूँ तो ये थोड़ा इंटरटेनिंग है, मतलब ये थोड़ा अच्छा लगता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब छोटे छोटे नोट बन जाएंगे। आप अगर कभी भी उस रूम को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वहाँ से उसको जो चिपकाए हैं इसको निकाल लेंगे, इस पर आप स्टेपलर कर देंगे, पेंच लगा देंगे, इसको फिर जेब में रख सकते हैं। ये ऐसा चीज़ है जिसको आप क्या कर सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, ठीक है। कहीं रेलवे में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप ईयरफोन लगाए हल करना चालू कर दिए, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट मिला तुरंत आपने इसमें उतारा, और इसमें उतारा आप जब रूम पे पहुँचे तो रूम पे पहुँचने के बाद आपने क्या किया, ये देखिए ऐसे ऐसे उतारना है, और रूम पे पहुँचने के बाद इसको एक पेज फाड़ दिया और फाड़ने के बाद जाके दीवार में चिपका दिया। मतलब ऐसे करके आपको पूरे दीवार में चिपका देना है। मैं कहता हूँ आपकी मैथ कैसे इम्प्रूव नहीं होगी, आप 15 दिन करिए, आप मुश्किल से 15 दिन क्या, अगर 10 दिन में उस टीचर का आप कंप्लीट कर लेते हैं, नोटबुक तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप करते हैं तो आप लिख के ले लीजिएगा, और आ करके दोबारा वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा मैथ इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए इंग्लिश वाले टीचर से मत पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा कि आपको लगे जो टीचर इंग्लिश में बोल रहा है वो बहुत नॉलेज वाला है, ऐसा नहीं। हमको समझ में आना चाहिए मैं क्या चीज़ समझना चाहता हूँ, मुझे हिंदी मीडियम का हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझे जो लैंग्वेज समझ में आती है मैं उस लैंग्वेज से पढ़ूंगा, उस टीचर से पढ़ूंगा। अगर जिस टीचर की आपको लैंग्वेज समझ में आ, और भी एक बात याद रखना, किसी एक टीचर को फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप अर्थमेटिक किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, या टाइम एंड वर्क हो गया, अलग अलग टीचर्स पढ़ते हैं, नहीं, एक टीचर का सारा वीडियो देख डालिए और नोटबुक बना डालिए, उसकी प्रैक्टिस क्लास करिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें करने से क्या मतलब है पता है, ये चीज़ें करने से मतलब है कि इसको आप जेब में रख सकते हैं। ये मार्केट में मिलता है स्टिकी नोट बोलते हैं इसको, 15 रुपये का आएगा और आप इसका नोट बना सकते हैं। आप मुश्किल से करिएगा, 15 दिन करिए, पूरे लॉकडाउन में जो भी समय मिल रहा है, मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट करते हैं मैथ 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 के बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो यही वो तरीका है जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे, आगामी आने वाले SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में मैथ स्ट्रांग कर लेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। देखिए मैं खुद इस चीज़ों को अभी भी फॉलो करता हूँ, ये चीज़ें जो है मैथ मेरी इंप्रूव कैसे हुई, मैंने नोट बनाया, देखिए मैंने 2 नोटबुक बनाया हुआ, अभी मैं जैसे आप लोग दिखा, मैंने 2 नोटबुक बनाया हुआ, ठीक है, इतना इसको पढ़ डाला पूरा, 2 नोटबुक मैथ की मैंने बनाई हुई है। उसके बाद अब जब मुझे नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, जबकि इसको क्या करता हूँ, इसको मैं हल करता हूँ, कोई नया चीज़ मिलता है तुरंत इसमें नोट करता हूँ, देखिए ये फट गया, अब इसको कहीं भी आप चिपका सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं यूज करता हूँ और जा करके कहीं भी रास्ते में रहता हूँ, अपने जहाँ रूम पे रहता हूँ दीवार पे वहाँ चिपका देता हूँ। आप इस चीज़ के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। 15 दिन 10 दिन करिएगा, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके आके बताइएगा। मैंने बहुत ही मेहनत से ये चीज़ें बताई हैं, वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप लोगों को
अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा, जेन्युइन वीडियो अच्छा लगा, तो जितने भी लोग देखेंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक कमेंट करके जाइएगा क्या ये चीज़ आप लोग करते थे पहले, कितने लोग ये चीज़ पहले से करते थे, और कितने लोगों ने ये चीज़ नहीं किया था, और कितने लोग आज के बाद ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ आप बताइएगा। मार्केट में इसको ले लीजिएगा, स्टिकी नोट बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरटेनिंग भी लगता है इस चीज़ से पढ़ने से, दिमाग भी लगा रहता है, मन भी लगा रहता है, क्योंकि हमको बहुत सारे नोट हो जाते हैं तो थोड़ा दिमाग पर भी प्रेशर आ जाता है। तो ये चीज़ को फॉलो करिए और मैथ को स्ट्रांग करिए, आगामी आने वाले सभी एग्जाम में आप सफलताएं पाइए, और मैथ को अच्छे से अच्छे 25 में 25 नंबर लाइए, 50 में 50 लाइए, पूरे नंबर लेके आएंगे, बस आप ये चीज़ फॉलो करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और किस पर वीडियो चाहिए कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद, जय हिंद।